कृष्णा कुशवाहा समाज द्वारा सिंधिया और कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और महिला विकास मंत्री श्रीमती इमरती देवी का जोरदार स्वागत किया गया। इसी तरह ग्राम टकनेरा में भी सहरिया समाज का सम्मेलन रखा गया, उसमें भी सिंधिया जी का जोरदार स्वागत किया गया और म्याना में आधा दर्जन से अधिक जगह पर सिंधिया जी का स्वागत किया गया और उन्हें लड्डुओं से तोला गया। साथ ही दोनों समाज के सम्मेलन में सिंधिया जी द्वारा एक नियम लागू किया गया, जिसमें समाज का सम्मेलन होगा वही व्यक्ति स्टेज पर जाने का अधिकारी होगा। सिंधिया जी ने समाज के सम्मेलन में कहा कि सहरिया समाज का शोषण 15 सालों में बीजेपी सरकार करती आ रही है, ना ही समय पर राशन मिलता है और ना ही समय पर उन्हें कोई सुविधाएं मिल पाती हैं। सिंधिया जी ने कहा कि राशन की दुकानों पर अब इनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। सिंधिया जी ने कहा है कि मेरा परिवार सहरिया समाज के साथ हमेशा से और रहेगा। चाहे वो इमरती देवी जी हो, डबरा की मैन सिंह जी हो, पुरी के इतना जबरदस्त संदेश आपने भेजा है कि आपके प्रतिनिधि आपके विधायक को कांग्रेस की मध्य प्रदेश की सरकार ने दो बार के विधायक मैन सिंह जी को दिए जाएंगे हमारे सरकार के द्वारा। म्याना से ग्राउंड रिपोर्टर सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट।